सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह और आज के टॉपिक का विषय फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। पहले भी हम परीक्षण की विश्वसनीयता पर आपसे बात कर चुके हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि ये बताया जाए कि कैसे एक परीक्षण की विश्वसनीयता को सुधारा जा सकता है, हाउ टू इम्प्रूव द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस अनदर प्रेजेंटेशन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, a quick review of about what reliability is. सबसे पहले जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि विश्वसनीयता है क्या। विश्वसनीयता जब हम परीक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो वो क्या है? The consistency of a research study or measuring test. यानी कि किसी हमारे शोध की, किसी हमारे अध्ययन की कंसिस्टेंसी, या हम कोई परीक्षण अगर नाप रहे हैं, कोई हमारा मापन यंत्र है, मापन का परीक्षण है, उसमें कंसिस्टेंसी, यानी कि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे, यानी कि एक समान रिजल्ट दे, या कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, या हम अगर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी हो, या डिग्री टू विच अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गिव्स द सेम रिजल्ट ईच टाइम दैट इट इज यूज्ड। यानी कि उस सीमा को हम कहेंगे रिलायबिलिटी, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी औजार से, किसी मापने वाले औजार से कुछ नापते हैं और हमको सेम रिजल्ट मिलता है ईच टाइम, जब भी हम उससे नापते हैं। बट assuming, लेकिन ये मानना पड़ेगा, हमको ये मान के चलना होगा कि that the underlying thing being measured does not change, कि जिस चीज को नापा जा रहा है वो नहीं बदलनी चाहिए। यानी कि सेम चीज को अगर हम सेम कंडीशन में सेम इंस्ट्रूमेंट से नापे तो अगर सिमिलर रिजल्ट मिलता है, दिस मीन्स दैट वेरी इंस्ट्रूमेंट इज रिलायबल। या इन ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर इसको हम ब्रॉड सेंस में देखें तो ये क्या है? इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेस्ट स्कोर्स आर एट्रीब्यूटेबल टू ट्रू डिफरेंसेस। मतलब क्या है इसका? कि जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कुछ नापते हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% रिजल्ट हमको सही मिलेगा, यानी कि रिलायबिलिटी 1 नहीं हो सकती, हमेशा उससे कम आती। क्यों? क्योंकि कुछ एरर्स होती हैं। तो हमारा जो एक्चुअल स्कोर होता है वो क्या होता है? ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर। क्यों? क्योंकि एरर क्या होगी? माइनस में होगी, तो वो उसमें से घट जाएगी और उसका मान कुछ कम हो जाएगा। तो जो वाकई जो डिफरेंसेस हैं टेस्ट स्कोर्स के, उनकी बात, जो ट्रू डिफरेंसेस हैं उनकी बात की जाती है, वही क्या है? रिलायबिलिटी है, वही विश्वसनीयता है। एरर स्कोर को हम उसमें से घटा देते हैं। फिर अगर इसके प्रकार के बारे में जाने तो मोटे मोटे ब्रॉड तरीके से देखा जाए तो दो प्रकार है, इंटरनल रिलायबिलिटी और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी, यानी आंतरिक विश्वसनीयता और बाह्य विश्वसनीयता। तो आंतरिक क्या है? Assesses the consistency of results across items within a test. यानी कि आपका कोई टेस्ट होगा उसमें एक आइटम तो नहीं होंगे, कई आइटम होंगे, तो उन आइटम के आपस में, वो across items within a test, एक ही परीक्षण में जितने आइटम है वो आपस में कितना एक दूसरे से correlation शो कर रहे हैं, वो इंटरनल रिलायबिलिटी है। और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी क्या है? एक्सटेंट, वो सीमा है टू विच अ मेजर इज कंसिस्टेंट। पहली बात कि हम नापेंगे तो हमको कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए। व्हेन असेस्ड ओवर टाइम, यानी कि हम समय अगर हम बदल दें, आज नाप रहे हैं फिर 15 दिन बाद नाप रहे हैं, और अक्रॉस डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और अगर इंडिविजुअल्स बदल जा रहे हैं जिन पर हम एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं, तो भी अगर हमको रिलायबल सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है, कंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब कि दैट वेरी टेस्ट हैज एक्सटर्नल रिलायबिलिटी टू। ओके, अब जब हम टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पढ़ते हैं आप कह सकते हैं वही क्या है, मेथड्स ऑफ असेसिंग रिलायबिलिटी भी क्या है ना। मतलब कि जो, या तो हम कह दें कि वो विश्वसनीयता के प्रकार है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो विश्वसनीयता का आकलन करने के तरीके हैं। तो इंटरनल रिलायबिलिटी को हम कैसे नाप सकते हैं? स्प्लिट हाफ से नाप सकते हैं। स्प्लिट हाफ में क्या करेंगे कि हमको दो टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पहले पढ़ देती हूं, सब पहले भी बता चुकी हूं इसलिए मैंने इसके बारे में लिखा नहीं। टेस्ट रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ, अल्टरनेट फॉर्म्स, इंटर रेटर और इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो टेस्ट रीटेस्ट क्या है? नाम से स्पष्ट है, हम टेस्ट लेंगे और फिर टेस्ट लेंगे, रीटेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बदल जाएगा? थोड़ा समय अंतराल के बाद लेंगे और फिर हम देखेंगे कि जो स्कोर्स आ रहे हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं कि नहीं, उनके अंदर कोई कोरिलेशन कोफिशियंट बन रहा है नहीं बन रहा है। स्प्लिट हाफ में, स्प्लिट हाफ बीच से तोड़ना है, इसीलिए इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धविच्छेद। तो बीच से तोड़ना कैसे है कि एक बार हम ऑड आवर्स, ऑड नंबर ले लेंगे, एक बार क्या इवन नंबर ले लेंगे, ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 से 50 तक है तो बीच से तोड़ा, 1 से 25 एक बार में, 26 से 50 एक बार में, या हम कर सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 इस तरह से एक बार ले लिया, और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एक साथ ले लिया, तो हमारे दो तरीके के सेट बन जाएंगे और फिर हम दोनों का
कोरिलेशन कोफिशियंट निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आइटम्स अक्रॉस विद इन द टेस्ट क्या है, सिमिलर हैं कि नहीं, एक तरीके का स्कोर नाप रहे हैं कि नहीं, उनमें कोफिशियंट हमारा कोरिलेशन का पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। फिर अल्टरनेट फॉर्म्स क्या है, जैसे कि हम लोग एग्जामिनेशन में जब कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सेट होते हैं ना ए बी सी डी, तो सब लगभग एक ही डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन पावर भी लगभग एक जैसी होती है, हमने अल्टरनेट फॉर्म बना दिया है, यानी कि एक ही मतलब इंडिविजुअल हम अलग अलग ले लेंगे लेकिन एक ही टाइम पे दो फॉर्म उनको दे के हम चेक कर लेंगे कि उनमें आपस में रिलायबल हो रहे हैं कि नहीं, उनमें स्कोर्स में कंसिस्टेंसी है कि नहीं। इंटररेटर, इंटररेटर का मतलब कि दो व्यक्ति हैं रेट करने वाले या कई एग्जामिनर हैं रेट करने वाले, वो अगर सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं किसी चीज को नाप कर, मतलब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव, ये सब तो टेस्ट रीटेस्ट स्प्लिट हाफ आपके ऑब्जेक्टिव में चल जाएंगे लेकिन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की भी तो रिलायबिलिटी हमको चेक करनी होगी ना, तो उसके लिए इंटररेटर की जरूरत पड़ती। फिर इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब वही है जो आंतरिक संगतता, कि हम आइटम्स एक टेस्ट के अंदर जितने आइटम है वो आपस में इंटरनली कंसिस्टेंट हैं या नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी कह लीजिए या आप इनको कह दीजिए मेथड्स ऑफ एसेसिंग रिलायबिलिटी। और इसमें फॉर्मूले भी लगते हैं, स्पीयरमैन राउंड प्रोफेसी फॉर्मूला, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, क्राउन बैक अल्फा है ना। इस बार भी मैंने इसको अभी स्टैटिस्टिकल पोर्शन नहीं लिया क्योंकि मेरे को मेन इम्फेसिस था हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट, इसलिए इसको बनाया है। फिर फैक्टर्स, कौन से कारक हैं जो विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं, तो उसमें भी एक्सटर्नल है और इंटरनल है, या आप कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक है। तो जो बाह्य कारक हैं उसमें क्या है, ग्रुप वेरिएबिलिटी, यानी कि समूह जो है आपका वो कितना असमान है या समान है, तो ये स्टडीज में पाया गया कि ग्रुप में वेरिएशन होना चाहिए, अगर हम होमोजीनियस ग्रुप लेकर चलेंगे तो उसमें रिलायबिलिटी कम आएगी, तो ये कारक निर्भर करता है, तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि ग्रुप जो है वो होमोजीनियस ना हो। फिर गेसिंग बाय द एग्जामिनीज, अगर एग्जामिनीज अगर गेस कर ले रहे हैं, इसका मतलब कि फिर वो जो ट्रू स्कोर और एरर स्कोर का जो हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रिलायबिलिटी हमारी सही नहीं निकल कर आएगी, कम आएगी, विश्वसनीयता कम हो जाएगी। इसीलिए हमको आइटम एनालिसिस करके इस तरीके डिस्ट्रैक्टर निकालने होते हैं अपने टेस्ट से, उन आइटम्स को निकाल देना होता है जो गेस फैक्टर पे काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमको वातावरणीय दशाएं समान रखनी है, जब जब आप उन पर करेंगे या एक समान रखेंगे, ये नहीं कि एक बार बहुत ही कोई ऐसा अच्छी दशा नहीं और एक बार अच्छी दशा है तो अपने आप रिजल्ट हमारा संगत नहीं आएगा, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन हमको यूनिफॉर्म रखनी है और सूटेड टू दी क्या टेस्टर रखनी है। फिर मोमेंट्री फ्लक्चुएशंस इन द एग्जामिनी, कोई ऐसी बात ना हो जाए अचानक से लाइट चली गई, अचानक से कोई बहुत शोर हो गया, कहीं कोई बाहर कोई दंगा वंगा हो गया या कुछ इस तरीके की बातें हो गई, कोई कोई भी बीच में ऑब्स्टेकल आ गया जो एग्जामिनी का मोमेंट्री फ्लक्चुएशन है, तो वो कुछ सवाल गलत हो सकते हैं, कुछ सवालों के आंसर आते हुए भी गलत हो जाएंगे, तो वो रिलायबिलिटी को इफेक्ट करेगा, इसलिए हमको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि एक्सटर्नल है, मतलब इनका आइटम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब इन फैक्टर्स की बात करेंगे, इंटरनल फैक्टर जिनको कि जो टेस्ट बनाने वाला है, टेस्ट मेकर है, जिसने बनाया है, वो उस पर कंट्रोल रख सकता है। कैसे कंट्रोल रख सकता है, लेंथ ऑफ द टेस्ट, जब आप इसका न्यूमेरिक देखेंगे, आप इसका स्टैटिस्टिकल पोर्शन देखेंगे, तो आप ये जानेंगे कि जो रिलायबिलिटी का फॉर्मूला है उसमें अगर हम जितने ज्यादा लंबा टेस्ट बनाएंगे, जितने ज्यादा उसमें आइटम्स रखेंगे, रिलायबिलिटी उतनी ज्यादा रहती है, और जितना कम रहता है उतनी कम रहती है, इसलिए हमको ये मान के चलना है कि हमको एक ऑप्टिमम लेंथ होनी चाहिए टेस्ट की, बहुत छोटा टेस्ट होगा तो अपने आप रिलायबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। रेंज ऑफ द टोटल स्कोर्स, हमको टोटल स्कोर्स की रेंज क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है, अगर उनकी रेंज कम होगी तो भी हमारी रिलायबिलिटी इफेक्ट होगी। होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स, होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स का क्या मतलब है कि जितने आइटम हैं वो एक कंस्ट्रक्ट को नाप रहे हो, ऐसा नहीं है कि कुछ आइटम एप्टीट्यूड नाप रहे हैं, कुछ एटीट्यूड नाप रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंस नाप रहे हैं, कुछ पर्सनैलिटी नाप रहे हैं, तो फिर वो क्यों क्यों गड़बड़ होगा, क्योंकि इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी, इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपका रिलायबल नहीं होगा, इसलिए हमको होमोजेनिटी ऑफ आइटम्स पर ध्यान देना है। डिफिकल्टी वैल्यू ऑफ आइटम्स, जब हम आइटम एनालिसिस पढ़ते हैं तब हम ये दोनों कंसेप्ट पढ़ते हैं, डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू, इसका मतलब कि
आपके आइटम में डिफिकल्टी वैल्यू मॉडरेट होनी चाहिए, यानी कि क्वेश्चन पेपर ना बहुत ज्यादा टफ हो ना बहुत ज्यादा ईजी हो। अगर 0.4 से 0.6 डिफिकल्टी वैल्यू है या 0.5 से 0.7 डिफिकल्टी वैल्यू है तो उसको अच्छा माना जाता है, फिर वो आपकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। उसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होनी चाहिए आइटम की, यानी कि वो आइटम इतनी क्षमता विभेदन क्षमता रखता हो कि वो सुपीरियर और इंफीरियर बच्चे में अंतर कर सके, सुपीरियर और इंफीरियर स्टूडेंट में अंतर कर सके। अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है तो रिलायबिलिटी को इफेक्ट करेगा, रिलायबिलिटी घट जाएगी। उसी तरह से जैसे इंटर रेटर रिलायबिलिटी की बात हो रही थी, उसी तरह से स्कोरर रिलायबिलिटी, यानी कि दो स्कोरर अगर उसी टेस्ट को ना जांच रहे हैं तो वो सिमिलर रिजल्ट दें, ये होना चाहिए। तो इतनी चीजें सॉरी हम ध्यान देंगे तो हमारा जो टेस्ट है उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। वो पॉइंट जिसके के लिए ये किया गया, हाउ टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर्स। ओह माय गॉड, ये रिलायबिलिटी का वाई का वी ही रह गया है। ये क्या होगा, ग्रुप ऑफ एग्जामिनीज शुड बी हेट्रोजीनियस, यानी कि ग्रुप जो है हमारा वो होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए। लेकिन आइटम्स क्या है, होमोजीनियस होने चाहिए, यानी कि सभी आइटम्स एक ही कंस्ट्रक्ट को नापने के लिए हों। टेस्ट मस्ट बी लॉन्गर, बहुत छोटा टेस्ट नहीं होना चाहिए। आइटम्स शुड बी ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी वैल्यूज, यानी कि डिफिकल्टी वैल्यू जो है परीक्षण की कठिनाई का जो आइटम्स की एकांश की कठिनाई का जो स्तर है वो मॉडरेट होना चाहिए। उसी तरह से आइटम्स शुड बी डिस्क्रिमिनेटरी वंस, यानी कि जो हमारे एकांश हैं उनके पास विभेदन की क्षमता होनी चाहिए। कंडक्ट रेगुलर आइटम एनालिसिस, आइटम एनालिसिस हमको जरूर करनी पड़ेगी ताकि वो सारे पुअर एम्बिगुअस और वो सारे आइटम्स जो रिलायबिलिटी को घटाने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं उनको हम निकाल बाहर फेंकेंगे। किसमें से, अपने टेस्ट में से, यानी उनको हम अपने टेस्ट से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, वीड आउट कर देंगे, तो हमारा टेस्ट ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। फिर एक थंब रूल ऑफ थंब है कि स्पीड टेस्ट जो है वो पावर टेस्ट से ज्यादा रिलायबल होते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट से ज्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इंटर रेटर रिलायबिलिटी आप जितना भी कोशिश करेंगे इंटर रेटर रिलायबिलिटी हमारी उतनी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि एक स्कोरर जो है वो ज्यादा नंबर दे देगा और दूसरा स्कोरर उतना कम उतना नंबर नहीं भी देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो रूल हमारा पहले से सेट है कि सही सवाल अगर आपने किया है तो 2 नंबर आपको मिलने हैं, तो 2 नंबर सभी रेटर सभी स्कोरर आपको देंगे। ओके, तो ये तो हुआ आपका क्या कि कैसे आप अपने परीक्षण अंकों की अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो रिलायबिलिटी हमारी कई बार आपसे बात हो गई, तो आई थिंक कि रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता को अब आप समझ गए होंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आई विल बी क्लियर इनफ टू ऑल यू ऑल एंड द कंसेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी इज क्लियरर टू यू। ओके, डन।